अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, क्या हाल आपका? मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू? ऑल आर अवेलेबल? ऑल ऑफ यू? यस यस उमर, अरशद एंड बाबर। सर। और दूसरे से भी कनेक्ट हो जाए ना, दूसरे नंबर नंबर से भी, ताकि स्पॉटलाइट हो जाएगा। दूसरे से भी कनेक्ट हो जाए दूसरे नंबर के साथ, लाल खान के साथ, ये बैठे हुए सारे बाबर के साथ। दूसरा भी ऐसे कनेक्ट कर लें। हाँ ठीक है, थैंक यू। वो ज़रा स्पॉटलाइट हो जाए इसमें क्लियर, वो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वो कनेक्ट हो रहा था, थोड़ा टाइम लेता है मेरा मोबाइल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, कनेक्ट तो आप हुए हैं। मैं कह दो आप हो जाए ना, वो जैसे मतलब स्पॉटलाइट होता है ना, उसको जरा करना होता है। जरा स्पॉटलाइट भी हो जाए तो अच्छा होता है। जरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक सर, ठीक ठाक। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके टेस्ट की तैयारी कैसी है? सर माशाल्लाह, ठीक है। तो आज आपका जो है टेस्ट है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए है कंपटीशन आपका, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट आपका नहीं हो सका, क्योंकि आप वो कनेक्ट नहीं हो सके मेरे साथ। तो आज जो हम टेस्ट शुरू करेंगे, इस टेस्ट के जो है सवालात जो हैं पांच होंगे, ठीक है? पांच सवालात हैं, और 50 यानी कि एक जो है सवाल के जो है वो 10 नंबर है। तो आप रेडी हैं तीनों? आर रेडी? यस लेट स्टार्ट फ्रॉम उमर। उमर से मैं स्टार्ट लेता हूं। ओके उमर, आई आस्क यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशन। इफ वी मेक लॉन्ग सेंटेंस एंड वी यूज प्रीपोजिशन, सो बट बिकॉज। ओके, नेक्स्ट इट फॉर फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क यू, सेकंड, नो सेकंड क्वेश्चन, वन वन आई आस्क यू, नो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आई आस्क यू, यू टेल मी दैट इन विच टेंस वी यूज हैज बीन, व्हाट इज द नेम ऑफ टेंस? Has been, या सर, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर थ्री, आई आस्क यू हाउ यू कैन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? If we do any work continuously in the past time, then it's called past continuous tense. We use fourth form of verb in this tense. We use was as helping verb with pronoun or subject, he, she, it. We use were as helping verb with pronoun or subject, they, we, and you, I. Formula. Subject oblique pronoun plus fourth form of verb plus objective. Example, example now. He was reading a book. Okay, question number four now. I will speak one tense, you have to change in other tense, okay? I will speak one okay, tense sir. And you will change in other tense. I am playing the match.
चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई एम प्लेइंग द मैच आई प्लेड द मैच ओके लास्ट क्वेश्चन आई विल ask you five words you have to change from Urdu to English got it now I ask you okay sir first word you tell me about what is the English of Bengal Bengal Brinjal how to spell B-R-I-N-G-A-L P-B-R B-R B-R B-R-I-N J-A-L Okay. Next question I ask you. You have to tell me the or you have to translate in English this word. Palak. Spinach. How to spell? S-P-I-N-A-C-H. Question number three. You tell me now, kabhi kabar, ya baad ukaat. Sometimes off and on. Okay. Off and on ke spelling kya hai? O-F-A-N-D-O-F. O-F? में स्पेस है ओ एफ ए हाँ जी सर ओ ओ एफ स्पेस ए एन डी स्पेस ऑफ ऑन जी ऑफ एंड ऑन आखिरी वर्ड है मैं पूछ रहा हूँ लास्ट वर्ड ये मुझे बताएं कि दस्तखत करें पुट योर सिग्नेचर Okay, your question, five questions are completed now. Now, Arshad. Yes, sir. You have to tell me about, pronouns. Many times we use on the place of noun, like he, she, it, etc. Okay, next question I ask you. You can explain to present perfect tense with example and formula? Present perfect tense? Sir, kisi zamana mein kisi kaam ka maujooda waqt mein hona ya paya jana verb ke saath s aur es ka izafa बतौर इमदादी फेल होता है वर्ग की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है और वर्ग की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है एस और ई एस का मतलब है और एस और ई एस जो है ना सर वो जो जुमले के आखिर इसके जुमले के आखिर में रहा है रही है रहे हैं और इसकी एग्जांपल ही गोज टू स्कूल ही शी रीड्स अ बुक It rains. One and two. Okay. Question three. Question yes, number sir. Three. मुझे बताएं कि where we use in which tense we use second form of verb. Four. Sir, क्या आपने बोला? In which tense we use I forgot now my question. I ask you. In which tense, okay, yes, came in my mind. In which tense we use second form of verb? Second form of verb? Sir, nahi aata. Verb ki dusri. Okay, question number four.
मैं आपको सैम में एक टेंस बोलूंगा, आपने दूसरे टाइम चेंज करना है. ओके? यस सर. आई वॉज रीडिंग अ बुक, इसको चेंज करें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में. आई वॉज रीडिंग अ बुक. प्रेजेंट एंड डेफिनेट में जी. आई एम रीड अ बुक. क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी सवाल है. यस सर. यू हैव टू चेंज दिस वर्ड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. आई आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन. ये है जी के पहला तकरीबन. तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली. स्पेलिंग क्या है ऑलमोस्ट के? ए एल एम ओ एस टी अप्रोक्सीमेटली ए डबल पी ओ आर एक्स आई अप्रोक्सी मेट एम ए टी मेट एल ई अप्रोक्सीमेट एम ए टी मेट एल ई वाई. दूसरा है, दूसरा है वर्ड हमारे पास, वो है मदरसा या दरसगाह. एकेडमी ए सी डी ई एम वाई. ए सी डी ई एम वाई. ओके. नेक्स्ट वर्ड से पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुश्किलात. ऑब्स्टिकल ओ बी एस टी ऑब्स्टी ओ बी एस टी ऑब्स्टी सी ए आई एल. बराबर तो ओ बी ऑब ओ बी एस ऑब टी ए सी एल वाई ऑब्स्टिकल. ओके. अब आपसे आखिरी वर्ड पूछ रहा हूं, वो है यकीनन. यकीनन सर्टनली. स्पेलिंग सी ई आर सर टी ए एन एल वाई. बताओ. सी ई आर सर टी ए एन टन एल वाई. ओके. आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं. यस बाबर. यस सर. कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? सर आपका टेस्ट है. जरा माइक का इतनी शोर क्यों आ रहा है इसमें आपके? इसमें आप अपना ठीक है, आप सुने इसको. मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू कंजंक्शंस. बाबर खान सर, तमाम इंसानी सर, तमाम इंसानी जज्बात सर, तमाम इंसानी जज्बात को जाहिर करने के लिए कंजंक्शन यूज किया जाता है सर. क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अलास. दोबारा सर, तमाम इंसानी जज्बात या एहसासात को कंजंक्शन कौन से होते हैं ये सर? अलास. ओके. हुरा. ओके. नाउ आई आस्क यू, आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं कि आप मुझे बताएं कि हम एक टेंस है वाज या फिर वर, ये किस टेंस में इस्तेमाल करते हैं हम? सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है. अब तीसरा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको, अब हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू पास्ट परफेक्ट टेंस. सर किसी जमाने में किसी काम का मौजूदा जमाने में होना या पाया जाना पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. आगे सर, इसमें वर्ब की चौथी शक्ल इस्तेमाल होती है. आगे सर, एग्जांपल बनाएं. फॉर्मूला सर, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस
fourth form of verb plus for sense okay. and object. ओके okay. अब मुझे आप ये बताएं, एक टेंस बोल रहा हूँ उसके आप दूसरे टेंस चेंज करना है आपने. ओके okay? एक टेंस बोल रहा हूँ आपके सामने कि आई टूक टी, इसको चेंज करें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. आई टूक टी, आई टूक टी सर, आई टेक टी, आई टेक टी. ओके आखिरी सवाल है, आपने चेंज करना है इसको जो है उर्दू से इंग्लिश में. वर्ड्स बोल रहा हूँ आपके सामने, आप मुझे बताएं पुदीने की इंग्लिश क्या है. पुदीना, जी चले नहीं आता, नहीं आता. आगे बताएं दूसरा, धनिया. अरे इसका भी नहीं पता, नहीं आ रहा. नो सर. आगे मुझे बताएं नई सोच, नया ख्याल. सर विजन. स्पेलिंग V-I-S-I-O-N. ओके छोटा आपसे पूछ रहा हूँ वर्ड, ये बताएं कि ईसा से कंतरी. नहीं आता, ये पढ़ा ही नहीं है. नहीं पढ़ा, चले मैं चेंज कर देता हूँ, अगर नहीं पढ़ा चेक कर लीजिए. चले ये मुझे बता दें कि ग्रामर. ग्रामर तो पढ़ा है ना, इसकी क्या इंग्लिश है ग्रामर की. सर लफ्ज़ ग्रामर आपने नहीं लिखवाया है उर्दू में ना यार उसका. चलो छोड़ो, पांचवा आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये तो शुरू कर फाल फाल सारे. अब मैं आखिर में आखिरी लफ्ज पूछ रहा हूँ आपसे, वो ये बताएं भुर जो है भरपूर तवज्जो या तवज्जो कर लो, जो सिर्फ तवज्जो कर लो, तवज्जो या तवज्जो. अटेंशन, अटेंशन. स्पेलिंग A-double-T-E-N-T-I-O-N. दोबारा बताओ. A-double-T-E-N-T-I-O-N. यही आपके पांच सवाल आपके हो गए, सबके पांच पांच सवाल हो गए हैं. जो सवाल हो जाए तो मैं टिक कर रहा हूँ साथ साथ जो सवाल मैं पूछ लिया आपसे, इसके मतलब नहीं कि आपने ठीक जवाब दिए. तो अब जरा मार्क्स आ जाते हैं, टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 50. उमर ने 32 मार्क्स लिए हैं पास. अरशद, चंद गलतियां की हैं बहुत ज्यादा. मार्क्स बाबर. बाबर 25 मार्क्स पास तो हो गया, कोई फेल नहीं हुआ. देखें मैं आपको बात बताना चाहता हूं, वो ये है टेंसेस की जो डेफिनेशन है. टेंसेस पहले तो आपको टेंस का इंग्लिश में जब मैं आपसे कहता हूं तो कब उर्दू पता नहीं, उर्दू में मतलब उर्दू में कर लिया करें इसका. जब उर्दू में कर लेंगे आपको जो है डेफिनेशन जो है बताने में आसानी हो जाती है. अब आज गलतियां क्या हुई हैं कि टेंस को पूछ रहा हूँ आप जवाब कुछ छोड़ दे रहे हैं. क्यों? इसकी वजह यह है कि या तो आपने टेंस को गौर से सुना नहीं, मेरी बात को नहीं सुना आपने, या फिर आपको उर्दू में उसने आपने उसको ट्रांसलेट नहीं किया आपने. उसका मतलब क्या टेंस का?
आप टेंस की आधी आधी यानी कि तारीफ आपको समझ आते हैं अगर आप टेंस का आपको उर्दू में मतलब आता है अंग्रेजी से। प्रॉब्लम यह हुआ कि या दो वजूहत हैं, या तो आपने टेंस को सुना नहीं सही मैंने क्या पूछा आपसे, दूसरा यह है कि आपने उसको उर्दू में अगर आपने सुन लिया आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया कि भाई यह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ज़माना फ़ेल हाल, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ज़माना फ़ेल हाल जारी, फौरन आपको आपने इस टेंस के नाम को सही याद करना है, वे आपको लिए आसानी हो जाती है, आप इस समय जवाब देते हैं आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद प्रॉब्लम जो हुआ आपके स्पेलिंग्स का इशू आ रहा है, स्पेलिंग को इम्प्रूव करें, अपने स्पेलिंग्स आपके कमज़ोर हैं और इनको इम्प्रूव करें, यह बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव कैसे होंगे स्पेलिंग, अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप इसको लिखें रोज़ाना, आप इनको स्पेलिंग्स को आप जो है 10 से 15 दफ़े लिखा करें इनको, अगर ये काम मुश्किल लगता है आपको तो कम अज़ कम आप अपनी टॉकिंग में इनको वोकैबुलरी को यूज़ किया करें। आप जब कभी को यूज़ करते हैं तो फिर आप साथ माइंड सोचा करें कि उसके स्पेलिंग क्या है, तो उसके स्पेलिंग आप उसको देख लिया करें घर आके जो आप वोकैबुलरी बोलते हैं आप, ये बेस्ट तरीका है स्पेलिंग याद करने का। अपना टेस्ट खुद ही लिया करें, अपना टेस्ट खुद ही लिया करें, नहीं कि डेली आपने 10 वर्ड ले लिए इनको तो माइंड लिखें आप। तीसरा तरीका ये है कि 10 वर्ड आपने ले लिए वोकैबुलरी के और उसको इंग्लिश में उर्दू से आप उर्दू लिखिए इसको और 10 इंग्लिश में लिखें ज़बानी लिखें, फिर वो टैली करें मिलाएं उसके साथ, लिखने से आपको याद हो जाएगा। तरीका ये होता है कि लिखने से आपको याद हो जाता है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से याद रखें कंजक्शंस और चीज़ हैं और इंटरजेक्शंस और चीज़ हैं, और इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच पूरे पूरे ये कि आपके पूरी जो लाइक मैथमेटिक्स ही है पूरे पूरे नंबर इसमें आते हैं अगर ठीक हों, टेंसेस पूरे पूरे मार्क्स आते हैं अगर ठीक हों, वोकैबुलरी का मामला भी ऐसा ही है पूरे पूरे नंबर आते हैं, तो ये है कि अगर ठीक हों तो स्पेलिंग ठीक हों तो। एनीवेज आप थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज जो आपने, मुझे खुशी है आपकी आपने ईमानदारी का अंदाजा किया, आपने नकल नहीं लगाई, ये बहुत अच्छी आपकी ईमानदारी बहुत अच्छी बात होती है। क्या पालना कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आपने अनस्टी का अंदाजा किया, ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है, बहुत बहुत बड़ी, यानी कि आप अपने साथ मुखलिस हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ मुखलिस हैं, यू आर सिंसियर विद यू, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने साथ मुखलिस हैं आप तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, ये बात याद रखें। अब मैं मुस्लिम क्लासेस लेता हूँ, ज़ाहिर है मुस्लिम क्लासेस में अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, टेस्ट भी ऑनलाइन होते हैं, अब कुछ ऐसे भी होंगे जो कि नकल लगा रहे होंगे, होते हैं मुस्लिम क्लासेस में, तो मुझे अब वो अपने आपको धोखा दे रहे होते, मुझे धोखा नहीं देते, अपने आपको धोखा दे रहे होते हैं, तो आई मच हैप्पी कि आपने ईमानदारी का भरपूर मुजाहरा किया आज, यही आपकी कामयाबी की जमानत है इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह हमारा यकम जनवरी से हमारी क्लासेज आप आ जाएंगे, और क्लासेज हमने शुरू हो जाएंगे यकम जनवरी से, आप क्लासेज में आएंगे आपकी क्लासेज आपने शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आई थिंक मैंने कल आपको मैसेज नहीं दिया, कल दिया मुझे याद नहीं है, क्यों भी अमर अरशद बाबर 9 साल अभी तक तो नहीं आपने कोई ग्रुप में मैसेज किया इस तरह का। हाँ, ये मैसेज आपके लिए आया है कि यकम जनवरी से आपके क्लासेस में आ जाना है, एकेडमी आ जाना है आपने, इसी टाइम पर ही क्लास आपकी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, मेरे मार्क्स नजर नहीं आ रहे सर। आपके मार्क्स ये देख लें, मार्क्स आपके सामने हैं, उमर आपके 32 नंबर हैं, अरशद के 27 हैं और बाबर के 25 हैं, तीनों पास हो गए हैं आप, कोई फेल भी नहीं हुआ, तो ये अच्छा है कि खुशी की बात है, ठीक है। आपके मार्क्स मैं सिस्टम में दे दूंगा आगे, हमारे एडमिन में जाते हैं ये नंबर, आपके रिजल्ट जाता है आपका। परसों मेरे ख्याल वो प्रॉब्लम हो रहा था, मसला हो रहा था, वो कम्युनिकेशन आपका कॉन्टैक्ट के मामले में नहीं हो, इसलिए मैं कहता साथ कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारा जो है क्लास आगे लेके जाना है, आज हमने टेंथ नया शुरू करना है, फ्यूचर डेफिनेट टेंस, ठीक है। टेंस आपके 8 हो चुके हैं आपके, क्यों भाई उमर बाबर अरशद? यस सर, 8 टेंस हो गए, 8 हो गए, आज हम नया टेंस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करें, क्लास आगे लेके जाते हैं। Thank you.
आज मेरा नौवां टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर डेफिनेटनेस लिखने आप जमाना फेर मुस्तकबिल मतलब ये शुरू करें तारीफ इसकी। जी सर बिस्मिल्लाह। इस जमाना में किसी काम का, इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त में करने के बारे में सोचा जाता है। इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त में करने के बारे में सोचा जाता है। आगे लिखें कि वर्ब की पहली हालत या शक्ल का इस्तेमाल होता है आगे लिखें प्रोनाउन द सब्जेक्ट्स यानी He, she, it और they, you के साथ pronoun the subject यानी he, she, it और they, you के साथ will का इस्तेमाल will will का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। will का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल सर ही शीट के साथ क्या इस्तेमाल होता है? ही शीट और दे यू के साथ विल का इस्तेमाल, ये देखें WILL विल का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। अगर लिखें डैश के बाद प्रोनाउन या सब्जेक्ट सर बी नहीं है ना जी आगे लिखें वो आई और वी बाद में आएगा ना। आगे लिखें डैश के बाद आई प्रोनाउन या सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ प्रोनाउन या सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल बतौर अंदाजी फेल होता है। शैल का इस्तेमाल बतौर अंदाजी फेल होता है। आगे लिखें विल या शैल का मतलब गा गी या गे है। विल या शैल का मतलब गा गी या गे है। आगे लिखें अगर काम करने का इरादा आने वाले वक्त में मजबूत हो तो इस सूरत में
आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। अगर काम करने का इरादा आने वाले वक्त में मजबूत हो तो इस सूरत में आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। लिख लिया आपने सर, विल का इस्तेमाल होता है। विल का, जी जी, मैं अब इरादे की बात हो रही है ना, आई और वी के साथ विल और शैल का मामला बता रहा हूं मैं आपको, किस सूरत में विल लगेगा, किस सूरत में शैल लगेगा। पहले आपको शैल का बताया, अब मैं बता रहा हूं किन सूरतों में शैल विल का इस्तेमाल होगा आई और वी के साथ। आगे लिखें। जी सर, आगे लिखें आप, आगे लिखें कि अगर काम करने का इरादा मजबूत ना हो तो इस सूरत में, अगर काम करने का इरादा मजबूत ना हो तो इस सूरत में आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। जी आगे, सर आगे लिखें, इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में, इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में लिखेगा, जाएंगे, पढ़ेगा, खेलेंगे वगैरह का इस्तेमाल जरूरत मुताबिक होता है। इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में लिखेगा, खाएंगे, पढ़ेगी, सफ़र करूंगा वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक होता है। ये उर्दू में होता है, ज़ाहिर उर्दू में बता रहा हूँ मैं आपको, उर्दू के जुमले होंगे तो। अब इसको मैं रिपीट करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में आपको लिखवाना है, फिर आपको समझाना भी है। रिपीट मैं करता हूँ उसको, लिख लिया आपने? जी सर। लेकिन आप देख लें, कोई वर्ड मिस हो गया ठीक कर लेना, गलती हुई है ठीक कर लेना उसको। इस ज़माना में किसी काम का आने वाले वक्त में करने के बारे में सोचा जाता है, वर्ब की पहली हालत या शक्ल का इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन या सब्जेक्ट यानी ही शी और दे यू के साथ विल का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है, प्रोनाउन या सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। अगर काम करने का इरादा आने वाले वक्त में मजबूत हो तो इस सूरत में आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल होता है, और काम करने का इरादा मजबूत ना हो तो इस सूरत में आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। विल और शैल का मतलब गा, गी या गे है। इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में लिखेगा, खाएंगे, पढ़ेगी, सफ़र करेगा वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक होता है। ये लिखवाया मैंने आपको, ठीक है? जी सर, बिल्कुल सही। इसको इंग्लिश में ज़रा लिखें, आप इसको नोट करें इंग्लिश में। इफ we think about any work if we think about any work in coming time then it is called future indefinite tense। If we think about any work in coming time, then it is called future indefinite tense. Full stop. We use first form of verb in this tense. We use first form of verb in this tense. We use will as a helping verb. Will likhe commas ke andar. We use will as a helping verb with pronouns or subjects he, she, it and they, you.
We use will as a helping verb with pronouns or subjects. He, she, it, and they, you. Sir, they or you, Bini? He, she, it, and they, you. We use will as a helping verb with pronouns or subjects. He, she, it, and they, you. वही उर्दू में वही है, उर्दू में वही है, इंग्लिश में करवा रहा हूं मैं आपको, पहले उर्दू में लिखवाया वो इंग्लिश में करवा रहा हूं. वी यूज विल एज अ हेल्पिंग वर्ब विद पर्नाउन ऑफ सब्जेक्ट्स ही शी इट एंड दे यू फुल स्टॉप. वी यूज शैल एज हेल्पिंग वर्ब विद पर्नाउन ऑफ सब्जेक्ट्स आई एंड वी. वी यूज शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब with pronouns of those subjects, I and we. Shall be likhe commas ke andar. Aage chalein. Sir. Ji. We use shall as a helping verb with pronouns of subjects, I and we. With pronouns of subjects, I and we. हो गया. यस सर. आगे लिखें इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल. स्ट्रॉन्ग विल होता है, स्ट्रॉन्ग विल का मतलब है मजबूत इरादा. एक तो गा गी गए ना टेंस की रूप से, एक है स्ट्रॉन्ग विल होता है मजबूत इरादा. इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल देन टी एच ई एन. सर विल के स्पेलिंग वही है, स्पेलिंग यही विल वाले यही है ना. एक विल होता है इरादा होता है और एक होता है गा गी गे. टेंसिक रूप से गा गी गे है और एक वोकैबुलरी में इसको के रूप से मजबूत इरादा स्ट्रॉन्ग विल. इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल देन, इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल देन वी यूज विल. विल लिखे कॉमास के अंदर. इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल देन वी यूज विल with pronouns I and we. If we have strong will, then we use will with pronouns I and we. आगे लिखें डैश के बाद इसमें फुल स्टॉप आएगा. फुल स्टॉप इंग्लिश में है ये फुल स्टॉप. If we have not strong will, if we have not strong will, then we use shall with pronouns I and we. Okay. Sir, if we have not strong will, then ये आपने present continuous tense है ना sir? क्या मतलब? ये आपका sir if we ये अब हाँ ठीक है ठीक है और ठीक है. आप कह रहे हैं बिल्कुल dependent tense है, बिल्कुल ठीक है. You are right. If we use shall. We have not, मैंने शुरू में लिखा है, if we have not strong will, then we use shall as a helping verb with pronouns I and we. If we have not strong will, then we yes, use, sir, आगे. Then we use shall with pronouns I and we. जी, अब आगे इसके लिख लें, आप फॉर्मूला लिख लें इसका. फॉर्मूला लिख लें. Subject oblique pronoun plus
सारे एग्जाम्पल भी कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ जाए. सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल लिख लें इसकी. ही विल रीड अ बुक. वो किताब पढ़ेगा. ही विल रीड अ बुक. अब इसको मैं रिपीट करता हूं. इंग्लिश में लिखवाया मैंने आपको ताकि आपको कोई गलती आपसे होगी तो ठीक कर लीजिएगा उसको. लेट अस स्टार्ट. रेडी?